राम राम जी भाई भाई, मैं आपका अपना राजा गुजर। पहले भैया वीडियो देखो फिर करते हैं बात। हेलो भैया, आश्रम में जा रहे हो? किनको लेके जा रहे हो आप? इनको लेके जा रहे हो? मेरी माँ। अच्छा, आपकी मम्मी है? हाँ। भाई आप इनको छोड़ने जा रहे हो? किसी कोई रीजन है आपके पास छोड़ने है इनको? आप इधर एक मिनट इधर आओ, पहले इधर आओ, साथ में खड़े हो जाओ। क्या लगते हैं आपकी, कौन कौन है पहले बता दो, कौन भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है मैम, होती है यहाँ पे। ये इसलिए रिकॉर्डिंग होती है कि आप जबरदस्ती छोड़ के जा रहे हो या किसी अपने रीजन छोड़ रहे हैं? नहीं मैं पूछ लेता ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं मैम पूछ, मैं आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है? भाई इधर बीच में आ जा, तू भी आ जा। वो देखो मैंने कर रहे हैं, हेलो हेलो फोर्स मत करो, मेरे को इनसे बात करने दो, ये कार्रवाई ना बहुत पता चली जाएगी फिर, ठीक है? हेलो हाँ अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप, अपनी मर्जी जा रहे हो आश्रम में? रो मत मैडम, रो रहे हैं वो, रो रही हैं वो। घर में जो चाल चलन करती है उनको पता है क्या करती है? ओए शांत हो जा, एक मिनट इधर खड़ा हो, पहले बीच में खड़ा हो गए, शांत से खड़ा हो जा। मैं ढंग से बात कर रहा हूँ, मैं ढंग से बात कर रहा हूँ, इधर बीच में खड़ा हो, पता तो लगना चाहिए ना रिकॉर्डिंग में। मैं इनसे बात करूंगा, आप उसके बाद बोल लेना, ठीक है ना? अम्मा आपको जो आप आश्रम में चलने के जा रहे हैं छोड़ने, तो यहाँ पे मर्जी से जा रहे हो आप? सच डरना मत। नहीं बेटे, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, मेरे को छोड़ने आए। मैं अपनी मर्जी छोड़ने आया हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? देख लियो भैया, भाई या टाइम मार हो रही है, क्योंकि अब भैया या है घर से बाहर निकाल रहा हूँ बेटा, ठीक है भैया? या हमारी वीडियो है कि बेटा तलग है या के धोरे तक कहीं पहुंच जा तो भैया जरूर पहुंचा देंगे, ठीक है भाई? मेन चीज क्या है भाई, देखो जब बालक इतना सर है, इतना सर जब पैदा हो और वो इतना बड्डा हो जा, जब तक वह माई पाले, समझ गए? और शादी होने के बाद वही जब इतना बड्डो बेटा हो जाए ना, तो वह लेके अनाथ आश्रम में चल दे कि अब तू जा अनाथ आश्रम में रहे, ठीक है भैया? तो भाई आपने भी देखी कैसा रो रही बेचारी बूढ़ी माँ है, और यू बेटा ऐसा नालायक, जा छोड़ना चल दियो, वही अपना आप खा लेगी, अपना आप रह लेगी, और जाने वो तन्नक सब पाड़ के इतना बड्डो कर दियो, ब्याह हो गो तो भैया भूल गो माँ है, अपनो घर बसाए गो माँ, जा कहीं भी कहीं मरो माँ, ठीक है भैया? और देखो एक बार ठीक भाई। एक बूढ़ी माँ मतलब जो कुछ कर नहीं सकती, किसी को ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, जवान जवान दोनों मियो बीवी नुक भाई यू परेशान करे, ये बूढ़ी औरत बेचारी क्या परेशान करती होगी भाई। भाई सबसे बड़ी जो यू लेडीज है एक पीछे खड़ी, जो भैया या के धोरे वीडियो पहुंचे तो या भी हम समझाना चाहेंगे एक बार कि भैया ऐसा करियो, अब जो या की माँ ना लौंडा की,
या कि ये अपनी माँ भी भेज दीजो, ठीक है, वाको भी कोई बेटा होएगा, वाकी भी कोई घर गृहस्थी होएगी, वाकी बहू होएगी, वो भी परेशान होएगी तेरी माँ से, ठीक है, दोनों बुढ़िया ने भैया भेज दे, ठीक है, पता लग जाएगी तो भी कैसे रहेगी, तेरी माँ भी पता लग जाएगी कैसे अनाथ आश्रम में रहो जावे। एक इंसान यार पैसा कमावे, घर बनावे, अपने बालकन ने बड़ो करे, ठीक है, या माँ ने भी अपने बच्चा कैसे कैसे पढ़ाया होएगा, कहीं नौकरी करी होएगी, कुछ भी करो होएगा, एक घर बनाया होएगा जहाँ में रहती होएगी, ठीक है, आज वह घर से निकाल के भैया अनाथ आश्रम में भेज रही, ठीक है भैया, और जो ये बहू है, ठीक है भैया, इनकी भी माँ होएगी, इनको भी कोई भैया होएगो, वाकी भी कोई शादी हुई होएगी, या कि भाभी भी परेशान होएगी, ठीक है, वहाँ तक कह दीजिए भैया हमारी बात जो माँ ना लौंडिया की तो वो भी चली जाएगी अनाथ आश्रम में, पता लग जाएगी या भी दर्द को एहसास क्या होता हो, ठीक है। और सबसे बड़ा पागल यू है जो भैया लौंडा जो या घरवाली के कहते ही या अनाथ आश्रम में छोड़ना चल दियो, भूल गो जब बचपन से ले कर भैया इतना बड्डा कर दियो, बूढ़ो कर दियो, ठीक है, तो भैया ऐसे कौम ना करने चाहिए यार। भगवान से बड़ो माँ बाप दर्जा दियो जावे, भगवान के आगे आदमी हाथ जोड़ के विनती करे कि भगवान हमारा फलौना कौम बना दे, भगवान बनावे चाहे ना बनावे बाकी कोई गारंटी नहीं, मगर माँ बाप ऐसे होवे कि अगर एक बालक जो बूढ़ा जो बोल रहा हो ना जितना यू कभी अपने माँ बाप तेना कुछ चीज़ मौगी भी होएगी ना, तो या के माँ बाप ने अगर बजट के हिसाब से होएगी तो भाई साहब 100% ला कर दी होगी, तो भैया भगवान ना सुने माँ बाप जरूर सुने, तो माँ बाप से बड़ो भाई कोई नहीं हो तो, ठीक है भैया। और हम तो यार भाई तब कहना चाहे जा कि ये वीडियो अगर हमारी वीडियो आके तक पहुँच जावे तो भैया ब्याह तो दूसरों भी हो जा, बहू दूसरी भी आ जा, पर पैदा करने वालों एक था, एक है, एक ही रहेगा, समझ लो, माता बड़ा कोई ना था ना है ना होएगा, घर परिवार चलाना एक अलग बात है, माँ बाप की सेवा करना एक अलग बात है, बहू के चक्कर में आके माँ बाप बाहर निकालना वो गलत है, और जो भी के तुम्हारे धोरे आवे वह परेशान करना भी गलत है, वह को भी ख्याल रखो, ऐसी बात ना है, मगर माँ बाप भी भाई बाहर नहीं जाने चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हम किसी को गलत ना कहते भैया, किसी की बहन बेटी है किसी को हुआ वह को भी ख्याल रखो, मगर पर यू सिस्टम कहो को भैया गाने कह देने भैया अगर यू रहेगी तो मैं न रहूँगी, तो हम भैया बातें भी कहना चाहवे ऐसा करिए अपनी माँ भैया की गैल भेज दीजिए, तेरी घर में भी कोई भैया होएगा वह घरवाली परेशान होएगी, पता लग जाएगी तो भी दर्द को एहसास अब कैसे भेजी जावे दूसरे के माँ बाप, तो भैया फर्क ना पड़ता, हर किसी को दिल हमारे जैसा दिल न है कि हमें वीडियो देख के दुख हो रो, समझ गए भाई, दूसरे को माँ बाप इंसान समझे, दूसरे को हमें कोई मतलब ना हो, पर भैया ऐसा होना नहीं चाहिए, शादी ब्याह को मतलब हर चीज़ से जुड़ना होता है, अगर लड़की किसी के घर जाती है ना ब्याहने के बाद तो भैया वह घर की पूरी जिम्मेदारी वह लड़की के ऊपर आ जाती है, बाकी माँ बाप से लेकर घर बालक बच्चे सारा सिस्टम देखना पड़ता है उसको, हमारे देश को प्यार सिस्टम हिंदुस्तान इसीलिए हिंदुस्तान बोला जाता है, अगर बाहर कंट्री में होते ना तो कोई वीडियो बना के भी डालता, जैसे या भैया ने डाल दी वीडियो बना के अच्छा करो जो भी है, ठीक है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, बाहर विदेशन में चीज चलती रहे किसी परवाह ना हो, कोई मर रहा हो कोई जी रहा हो कोई कहा कर रहा हो, ये हिंदुस्तान है भाई, या मैं प्यार माँ बाप की इज्जत हमेशा होनी चाहिए और होती रहेगी और होनी चाहिए भाई, ज़रूरी है, जब माँ ने इतना बड़ा बेटा कर दिया इतना उस पैदा हुआ हुए और इतना बड़ा होगा, ठीक है, जब माँ अपने मतलब टाइम काटने को टाइम आया कि भाई अब मेरे बुढ़ापे को सहारा मेरा बेटा बनेगा, ठीक है भाई, और वह टाइम बेटा उठा के कह दे माँ ते अब तू जा, तो भाई बहुत गलत बात है, ठीक है भैया, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा के दौर तक जरूर पहुँचा दी भैया, माँ बाप अन गल ऐसे काम न करे करे, और कोई भी इंसान अगर गलत काम कर रहा हो अपने माँ बाप अन गल तो भाई ध्यान रखियो,
माँ बाप से बड़ा कोई ना होता, भगवान भी ना होता। ठीक है भैया, राम राम।